नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम यहाँ बात करेंगे आरआरसी बिलासपुर के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे कि कट ऑफ अब कितना डाउन हो सकता है, सेकेंड डीवी में कितना कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 16 तारीख को फाइनल जो पैनल है वो आ चुका है नॉर्मल कैंडिडेट का भी, और इससे पहले सीसीए कैंडिडेट का भी पैनल आ चुका था। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया है कि कितने कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो पूरा लेखा जोखा दोस्तों मैंने यहाँ तैयार किया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो 1131 कैंडिडेट को पैनल में रखा गया है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे अब्सेंट कर गए हैं। क्यों? क्योंकि 1240 बच्चों को यहाँ बुलाया गया था। यहाँ पे कितने बच्चों को बुलाया गया था? यहाँ पे 1240 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 1131 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया है। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल, आप यहाँ देखेंगे तो 109, 1331 मैंने लिख दिया, यहाँ 1131 होगा। तो यहाँ पे टोटल 109 कैंडिडेट अभी भी हैं जो कि इस पैनल से बाहर है। ठीक है, इस पैनल से ये क्या हो गया, बाहर हो गए। मतलब जितना को बुलाया गया था उसमें से भी 109 कैंडिडेट अभी क्या है, बाहर है, जो कि एक अच्छा रेशियो है, लगभग 10% के आसपास। अभी हो सकता है कुछ कैंडिडेट क्या होंगे, मेडिकल मेडिकल में तो सब पास हो गए। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट हो सकता है 15-20 कैंडिडेट डीबी में ना जाए। तो ये 15 कैंडिडेट अगर डीबी में नहीं जाते तो 124 हो जाएगा, जो कि 10% हो जाएगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 10% कैंडिडेट है हर जोन से क्या करेंगे, अब्सेंट करेंगे। ठीक है, अब्सेंट करेंगे या जॉब नहीं करेंगे फाइनली, मतलब जब पहला पैनल आएगा उसके बाद यही सिनारियो होगा। तो लगभग यहाँ 9-10% के आसपास ही ये सिचुएशन बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ दोस्तों बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी का कितना कटअप कम जाएगा, क्या होने वाला है, किस कैटेगरी के साथ किस कैटेगरी को ज्यादा चांस अब बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरा यहाँ लेखा जोखा तैयार किया है, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने तैयार किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक तैयार किया है कि कौन से कैटेगरी को कि कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, प्लस में जनरल कैंडिडेट कितने हैं, मतलब जनरल में ओबीसी सारे कैटेगरी को शामिल किया है, सीसीए वाले हो गए, एक्स सर्विसमैन वाले हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गए और टोटल हो गए। पहले इस टेबल को हम लोग समझ लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा ये समझना कि आगे का सिनारियो क्या होने वाला है। तो चलिए इस टेबल को समझते हैं, मैंने क्या यहाँ किया हुआ है तो उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अंतिम में मैं बताऊंगा कि कितना कट ऑफ कम जाएगा कैटेगरी वाइज। सेकंड डिवी तो 100% आएगा, ये आप लोग को यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि अभी भी यहाँ सीट क्या है, वैकेंट है, और बहुत ज्यादा सीट वैकेंट है, क्योंकि बिलासपुर में पहले से ही वैकेंसी कम था। तो ये चीज आप दोस्तों देख सकते हैं, और कट ऑफ भी कम गया था, कट ऑफ भी बाकी जोन के तुलना में आप देखेंगे तो कम ही है यहाँ पे कट ऑफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले कि ये कैटेगरी नंबर वन है, कैटेगरी नंबर वन में 76 पोस्ट था, जिसमें से 41 ही कैंडिडेट मिले, जिसमें से 6 कैंडिडेट किसके हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, बाकी जो बाकी अदर कैटेगरी हो गया उसके कैंडिडेट है। 15 कैंडिडेट सीसीए के हैं, एक्स सर्विसमैन के एक भी नहीं मिले, तो 56 यहाँ पे मिला। मतलब अभी भी बैलेंस कितना है, 20 बैलेंस है। इसी तरह से मैंने लिखा है कैटेगरी नंबर थ्री, 124 सीट था यहाँ पे, 76 कैंडिडेट जनरल के मिले, जिसमें से 9 यूआर के कैंडिडेट थे, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट 76 से मिले, जिसमें से 9 यूआर के कैंडिडेट थे और 20 सीसीए वाले कैंडिडेट थे, और पीडब्ल्यूडी का एक, एक्स सर्विसमैन का एक, टोटल कितना हो गया, 98 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से ये टेबल है, पूरा टेबल मैं समझाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा मुझे। चलिए हम नीचे चलते हैं और सीधा हम देखते हैं कि फाइनल क्या होता है यहाँ पे। तो सबको जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 149 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 149 आ जाएगा। ये 149 सीट अभी क्या है, खाली है। ठीक है, ये 149 सीट क्या है, रिमेनिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बैलेंस मैंने लिखा हुआ है, मतलब कितनों ने ज्वाइन किया, कितना सीट खाली है, वो पूरा मैंने लेखा जोखा लिख दिया यहाँ पे। ये 149 सीट यहाँ खाली मिल गया आपको। ठीक है, जिसमें से ये कैटेगरी नंबर है, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 17 तक है, जिसमें से आप देखेंगे तो यूआर के ये 150, मान लीजिए 150 होगा, काउंटिंग में थोड़ा हो सकता है कि मिस्टेक हुआ होगा मुझे, ये नहीं, ये 149 सीट खाली ही है। ठीक है ना, ये खाली वाला सीट मैंने लिखा कि टोटल सब कैटेगरी को मिला दिया जाए तो कितने सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाते हैं, तो 149 सीट जिनको डीवी में बुलाया गया उनमें से 149 बच्चे यहाँ खाली हो जाते हैं। अब्सेंटी वाला मैंने यहाँ काउंट ही नहीं किया है, अब्सेंटी को अगर आप जोड़ देते हैं जो बच्चे अब्सेंट किए हैं, और ज्यादातर बच्चे कहाँ अब्सेंट किए गए हैं, तो नॉर्मल अगर हम देखें, नॉर्मल अगर हम देखें तो 109 बच्चे नॉर्मल वाले, मतलब जो अभी कल ये आया, यहाँ देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ 1131 होगा, 1131 से तो 1240 को बुलाया गया था, जिसमें से 1131 कैंडिडेट आए, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 109 कैंडिडेट, मतलब जो नॉर्मल है इसमें 109 कैंडिडेट अब्सेंट है, और जो अदर अदर बुलाया गया था उसमें 149 कैंडिडेट टोटल हो गए। ठीक है, ऐसे ही कुछ था,
मतलब जो अदर बुलाया गया था वहां पे कितने पहुंचे थे, मेरे पास वो पीडीएफ होगा, वहां से पीडीएफ से एग्जैक्ट डेटा मैं देख के आप लोगों को बता देता हूँ कि अदर वाले में क्या हाल चाल है। ये नॉर्मल कैंडिडेट में 109 कैंडिडेट अब्सेंट है, ठीक है। ये तो सीट नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगा, इसके लिए तो सेकेंड भी निकलेगा, प्लस में एक्स सर्विसमैन सीसीए का जो सीट वैकेंट है उसके लिए भी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को देखना है कि वहां भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो उनका जो बैलेंस बचता है यहाँ पे 125 कैंडिडेट क्या है अभी बचे हुए हैं, ठीक है। 125 कैंडिडेट, 125 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैंने तैयार किया हुआ है, 125 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये सीसीए वाला है, सीसीए वाले कितने आए, 265 नहीं 253 प्लस में 7 प्लस में 5 है 265। और सीसीए का वैकेंसी कितना है यहाँ पे, सीसीए का वैकेंसी यहाँ देखिए 333 है और यहाँ भी 333 है, बट एक्स सर्विसमैन के काफी कम लोग आते हैं। एक्स सर्विसमैन सीसीए का लगभग सेम रिजर्वेशन होता है, बट यहाँ पे कम लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 333 से में से अगर हम देखेंगे तो काफी कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो यहाँ पे अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे अब्सेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 265 अगर आप टोटल ही ऐड कर लेते, सिंपली आप ऐड कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं सोचिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1331 प्लस में 265। थोड़ा सा मैं इनके मोटा कर लेता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे, यहां से होगा ना, ये इंक मोटा कर लिया। अब यहां पे देखिए 1131 प्लस में 265, ये कितना हो जाएगा, 6, 9 और 1396, ठीक है। और वैकेंसी कितना है, 1664 है, जब 1396 इसमें से घटाइएगा ये कितना आ जाएगा, 268। अब 268 माइनस में क्या कीजिएगा, 109 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 268 माइनस में 109 लगभग आपका 159 के आसपास हो जाएगा। 159 सीट क्या है, अभी भी खाली है एक्स सर्विसमैन और सीसीए वाले, मतलब इसमें कैंडिडेट मिले नहीं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को सीसीए को बुलाया गया कितना भी होगा, बट उसके कैंडिडेट कितने मिले, केवल 253। और एक्स सर्विसमैन के 7 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था और 7 ही कैंडिडेट मिले, मतलब ये दोनों मिला के 260 ही कैंडिडेट फिल होते हैं। और पीडब्ल्यूडी वाले सीट से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सीट उन्हीं को दे दिया जाएगा। तो अभी भी मान के चलिए कि 260 जो है कैंडिडेट है, 260 है को यहाँ बुलाया गया, मतलब 268 मैंने बोला ना, तो 268 में से कितना भी अगर हो जाएगा, जो बच्चे मेडिकल में अभी मान लीजिए कुछ बच्चों को पेंडिंग में रखा गया होगा, जो भी सिनारियो बनता है, तो कितना भी अगर खराब कंडीशन होता है तो 180 से लेके 200 मान लीजिए कि 200 कैंडिडेट के लिए तो सेकेंड डीवी बुलाया ही जाएगा, 100% 200 कैंडिडेट के लिए सेकेंड डीवी बुलाया जाएगा मिनिमम, मैंने बताया, हो सकता है कि मैक्सिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम इससे ज्यादा 220 230 अभी मान के हम चलते हैं कि 200 कैंडिडेट को सेकेंड डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इतने से उनका सेकेंड डीवी में काम चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 200 कैंडिडेट अभी भी क्या है, बैलेंस में है, और ये एक अच्छा खबर है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ पे क्या प्रभाव होने वाला है, और भी डेटा से मैं आपको समझाता हूँ कि अभी और भी डेटा क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने बता दिया कि 268 सीट अभी भी खाली है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया 268 सीट खाली है अभी भी, और ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें यूआर के जो है 147 कैंडिडेट आए हैं और 3 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा गया, मतलब 150 यूआर के कैंडिडेट को बुलाया गया था जिसमें से केवल 3 कैंडिडेट ही अभी वेटिंग में है, बाकी सभी को जॉब मिल गया है। अब यूआर का टोटल यहाँ कितना था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यूआर का टोटल यहाँ कितना कैंडिडेट को पीईटी पास किए थे, तो यूआर के केवल 212 कैंडिडेट पीईटी पास किए थे, जिसमें से 150 कैंडिडेट को यहाँ कॉल किया गया और उनके 62 कैंडिडेट यहाँ पे क्या हो गए, बच गए, ठीक है। तो देखिए अब कट ऑफ क्या होने वाला है इसको हम समझते हैं, ठीक है। 62 कैंडिडेट अभी भी यूआर के क्या हुए हैं, बचे हुए हैं यहाँ पे, उनको जॉब देना है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब पूरे के पूरे यूआर को जॉब मिल जाएगा, मतलब जो सेकेंड डिवी आएगा जितने भी यूआर के कैंडिडेट हैं उनको जॉब मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए कट ऑफ को देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। एक यूट्यूब चैनल ने कुछ बताया था, उसको भी मैं यहाँ बताऊंगा कि उसने क्या गलत बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए यूआर का कटअप कितना है, यूआर का कटअप कितना है 65, ठीक है। और ओबीसी का कटअप कितना है, 63.28,
अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यहाँ क्वालिफाई किए होंगे मतलब 65 से ऊपर जो लेके आए हैं उनको तो जॉब मिल गया। मतलब 65 से ऊपर कितने बच्चे थे, 150 बच्चे, प्लस में 65 से नीचे वाले जो बच्चे हैं, इससे ऊपर वाले मतलब ओबीसी के जो कट ऑफ है उससे ऊपर वाले 62 बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जॉब नहीं मिला यूआर कैटेगरी से, बट इनके बीच में जितने ओबीसी वाले कैंडिडेट थे उनको जॉब मिल गया है, ठीक है। तो ओबीसी वाला तो नाम ही नहीं आएगा इसमें, 63.21 से लेके 65.14 के बीच में ओबीसी वाले कोई कैंडिडेट नहीं आएंगे, केवल यूआरए वाले कैंडिडेट आएंगे। बट एक यूट्यूब चैनल ने बोला था कि छोटे यूट्यूब चैनल को कुछ पता नहीं होता है, और उन्होंने बताया था कि इसमें क्रीमी लेयर वाले भी होंगे। तो अगर आप ही सोचिए, जो क्रीमी लेयर है जिसका घर परिवार अच्छा है वो क्यों, मतलब वो तो यूआर से भी भर सकता है, उसको जब आरक्षण नहीं मिलेगा ग्रुप डी में क्यों आएगा, जब उसका मतलब बहुत कम चांस है कि ग्रुप डी में वो आए। अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो वो पूरा बेनिफिट उठाएगा, ठीक है, वो क्यों दिखाएगा कि हम क्रीमी लेयर है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है कि ईडब्ल्यूएस मतलब क्रीमी लेयर के लिए कम से कम 6-7 लाख इनकम होना चाहिए, ऐसे ही कुछ है ना क्राइटेरिया, तो जिसका फैमिली कंडीशन अच्छा है वो ग्रुप डी में क्यों आएगा, ठीक है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, मुझे लगता है 5 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्रीमी लेयर से फॉर्म भरेंगे। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि अपना जो बेनिफिट है उसको ना उठाए, नॉन क्रीमी लेयर से ही सारी जो ओबीसी वाले होते हैं वो फिल करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि इसमें ओबीसी वाले बच्चे हैं। अब जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं इस नंबर से नीचे हैं उनको क्या किया जाएगा, कट ऑफ को घटा के क्या किया जाएगा, उनको भी फायदा मिल सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि एक नंबर में यहाँ पे 50 कैंडिडेट होंगे, मुझे लगता है बिलासपुर में एक नंबर के बीच में 50 कैंडिडेट होने वाले हैं। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे मैं फाइनल आपको बताता हूँ कि कट ऑफ अब सेकेंड डिवी का क्या होने वाला है, कितना कम होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यूआर के बारे में बात करें तो मुझे जहां तक लगता है कि यूआर का जो कट ऑफ होगा अब, मतलब जो फाइनल कटअप बन के आएगा यूआर का, वो 3 नंबर, अभी कितना ज्यादा है, यहाँ पे 65 है ना और ये 63 है, लगभग 3 नंबर। तो यहाँ मान के चलिए कि 3.5 नंबर भी घट सकता है, 3.5 नंबर भी घट सकता है, आराम से 3.5 नंबर घट सकता है। 3 नंबर तो पक्का घटेगा, ये 3 नंबर लिख के ले लीजिए कि 3 नंबर तो घटने ही वाला है, ठीक है, 3 नंबर 100% घटेगा। 3 से 3.5 नंबर के बीच में यूआर का कटअप घटेगा, 3 से 3.5 नंबर के बीच में यूआर का कटअप घटेगा। और ओबीसी का जो कटअप है, क्योंकि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी 200 कैंडिडेट को लेना है जिसमें से 109 कैंडिडेट क्या है, नॉर्मल है, और जो ज्यादातर सीट जो खाली होता है वो यूआर का सीट खाली होता है, यूआर में ही क्या किया जाता है, ओबीसी कैंडिडेट को दे दिया जाता है, ठीक है। जो भी 63.21 के आसपास होंगे, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 63 नंबर है तो उसको भी जॉब मिल जाएगा। तो जो यूआर के आसपास जो कैंडिडेट होते हैं उनको जल्दी जॉब मिलने का, मतलब जो कट ऑफ के आसपास जो कैंडिडेट होते हैं उनको जल्दी जॉब मिलने का चांस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि 109 कैंडिडेट है नॉर्मल, और बाकी सब रिजर्वेशन से मिल जाएगा, उसमें ओबीसी का ज्यादा सीट होगा। तो यहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ पे यूआर का कैंडिडेट ज्यादा होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि जो टॉपर्स है वही जॉब या डीबी छोड़ते हैं, ठीक है ना, और कोई कैंडिडेट जॉब या डीबी नहीं छोड़ता है। तो टॉपर्स में ज्यादा, यूआर में ज्यादा जो होता है, ज्यादा पोस्ट खाली होता है, किसी भी रीजन में आप चले जाइए तो यूआर का जो कैंडिडेट होता है वो भी कम होते हैं, और पोस्ट जो खाली होता है यूआर में ज्यादा खाली होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूआर में इस बार मिनिमम 3 नंबर यहाँ घटेगा, ठीक है, मैक्सिमम 3.5, बट मिनिमम यहाँ 3 नंबर यहाँ घट जाएगा यूआर के तरफ से, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आराम से घटने वाला है। ओबीसी का भी काफी सारा पोस्ट आपको खाली होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 268 में से ओबीसी का सबसे ज्यादा पोस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता है कि सीसीए वाला जो कैंडिडेट है वो ज्यादातर सीट ओबीसी में से ही उठा के दे दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ भी यही काम किया गया होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, यूआर का तो चलिए मान लीजिए 3 नंबर घटेगा, ठीक है, ओबीसी का मान के चल सकते हैं कि 0.5 या 1 नंबर घट सकता है, ओबीसी का 1 नंबर यहाँ घट सकता है, ठीक है, मतलब 62.21 के आसपास यहाँ कटअप जा सकता है, और यहाँ यूआर का 62.14 के आसपास हो सकता है कटअप, ठीक है, जिसमें ओबीसी के भी कुछ बच्चे शामिल होंगे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी का यहाँ देखिएगा, एससी कैटेगरी के बारे में कम बोला जा सकता है,
एससी कैटेगरी में हो सकता है कि 0.3 के आसपास घटे, एसटी कैटेगरी में वही 0.3 के आसपास घटेगा, ईडब्ल्यूएस में तो घटने का बहुत कम चांस है क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं होंगे, मतलब ये इनका सीट खाली ही जाने वाला है, इनका सीट मतलब बच्चे ही नहीं मिलेंगे इनको ईडब्ल्यूएस के लिए, तो यहाँ पे पहले से ही बच्चे कम है, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि सबका हो जाएगा और 40 नंबर वाला भी जो होगा उसका भी कटअप है, उसका भी इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जिनका 40 नंबर है उनका भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ बच्चों का शॉर्टफॉल होने वाला है। तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि कितना कटअप अब घटने वाला है, और ये मैंने परफेक्ट डेटा तैयार किया है, काफी ज्यादा दोस्तों मेहनत किया मैंने, और यहाँ पे पूरा मैंने लेखा जोखा बनाया है कि यूआर के कितने पीईटी क्वालिफाइड बच्चे हैं, जैसे मैंने बता दिया था कि यूआर के कितने पीईटी क्वालिफाइड बच्चे हैं, 212 और 150 बच्चों को जॉब मिल गया है, जिसमें से 3 बच्चे अभी हालांकि पेंडिंग में है बट उनको मिल जाना चाहिए, तो 62 सीट तो यूआर में अभी ही खाली हो गया है, ठीक है, 62 सीट मतलब 62 बच्चे अभी है और सीट कितना खाली है अभी भी 109, तो 109 सीट आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, 109 में से 62 तो मिल ही जाएगा यूआर का, बाकी सबका कुछ कम होगा, ठीक है, तो 62 का 62 यूआर का हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 3 नंबर मैंने ज्यादा बोल दिया बट मान के चलिए कि 2.5 नंबर तो घटने ही वाला है, ठीक है, यूआर में 2.5 नंबर से कम नहीं घटेगा, 2.5 नंबर घटेगा, 3 नंबर मैक्सिमम बता दिया मैंने, ठीक है, और 2.5 नंबर मिनिमम बता दिया, हो सकता है कि 62 कैंडिडेट 62 यूआर के सीट खाली ना हो तो कुछ कैंडिडेट यूआर के बच जाएंगे, तब ओबीसी में क्या होगा, ओबीसी में थोड़ा कम घटेगा, ठीक है ना, ओबीसी में मान लीजिए कि 0.5 मिनिमम मान के चलिए कि मिनिमम 0.5 घटेगा ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी में जो घटता है वो बहुत ज़्यादा कम नंबर का यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आगे का सिनारियो होने वाला है और अच्छा मौका है, मतलब जिनका 2.5 नंबर से कम है अभी कट ऑफ है, जिनका नहीं क्लियर हो पाया है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, ठीक है, उनको मिल जाएगा जॉब आराम से मिल जाएगा, सेकेंड टीवी भी बहुत जल्द आएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे लगभग 20 दिन लगा, मुझे लगता है 20 दिन लगा मेडिकल के बाद है, और यहाँ पैनल जारी कर दिया इन्होंने, तो अब मान के चलिए कि इनको बुलाया जाएगा, तो यहाँ से मान के चलिए कि आज कितना तारीख है, 16 तारीख है ना, तो 20 अप्रैल तक आपका सेकेंड डीवी का लिस्ट आ जाएगा और कैंडिडेट को बुलाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन लगेगा यहाँ भी, मतलब हो सकता है 10 अप्रैल से बुलाना स्टार्ट कर दे, पर मैक्सिमम मैंने बताया, मैंने 2 रेंज लेके चला, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ठीक है ना, तो ये सिनारियो हो सकता है और 10 अप्रैल तक आप लोगों को भी कुछ खबरें मिल सकता है सेकेंड डीवी के रिगार्डिंग, और वहां पे 2.5 नंबर तो मुझे जहां तक लगता है कि 100% घटना चाहिए यूआर कैटेगरी में, और ओबीसी में 0.5 मिनिमम घटना चाहिए, मैक्सिमम एक नंबर भी घट जाए तो मैं आश्चर्य नहीं होऊंगा होने वाला हूँ, ठीक है ना, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बात किया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट पहले से ही कम है, जितनों को जॉब देना था उतनों को जॉब दे दिया गया है और यहाँ पे सीट अब क्या है, वैकेंट है, अब इनका सीट नॉर्मल कैंडिडेट को ही मिलने वाला है, ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।